खबर मिल रही है जहां ताजमहल पर विदेशी मेहमानों के स्वागत सम्मान की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल आज ताजमहल दीदार के लिए पहुंचेंगे G20 डेलीगेशन के पदाधिकारी। ताजमहल में प्राचीन सभ्यता को लेकर लगाई गई है प्रदर्शनी। मुगल काल में किस तरह औजारों का प्रयोग कर पत्थरों से बनाई जा रही थी इमारतें। प्रदर्शनी में प्राचीन सभ्यता और कारीगरी को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हम आपको बताते चलें कि G20 डेलीगेशन आज ताजमहल का दीदार तो करेगा ही। जब डेलीगेशन के लोग ताजमहल का दीदार करने आएंगे तो उन्हें दो ताजमहल देखने को मिलेंगे। एक सफेद संगमरमरी ताजमहल और एक रेत से बना हुआ ताजमहल दिखेगा। यह रेत से बना हुआ ताजमहल असली ताजमहल के सामने यमुना की तलैटी पर बनाया गया है। नगर निगम के द्वारा यह रेत का ताजमहल बनाया गया है। इसको लगभग 60 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा यह रेत का ताजमहल बनाया गया है। इसको बनाने में लगभग 2 दिन से ज्यादा का समय लगा है और ये ताजमहल G20 के लोगों को लगाने के साथ ही होगा। वहीं लव इंडिया और वासुदेव कुटुंबकम को भी लिखा जाएगा। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, श्रीमती डॉक्टर संगीता रेड्डी, G20 एम्पावर चेयर, डिग्निटरीज फ्रॉम G20 नेशन, द ड्राइवर ऑफ एम्पावर संगीता रेड्डी, ऑल द डिस्टिंग्विश्ड वुमेन लीडर्स हू हैव जॉइंड अस टुडे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी फर्स्ट वेलकम ऑल ऑफ